नमस्कार, आप देखें न्यूज 360, मैं हूँ स्वाति रायना। सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की कोशिशें तेज कर दी है। सिविल एविएशन मंत्रालय के सचिव ने कहा कि एयर इंडिया में विनिवेश पर फाइनल प्लान 3 महीने में तैयार होगा और डेट रीस्ट्रक्चरिंग पर भी 3 महीने में फैसला होगा। सचिव ने कहा कि बैंकों के साथ एयर इंडिया के डेट रीस्ट्रक्चरिंग पर बात होगी। वहीं एयर इंडिया में विनिवेश के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग ने अपना प्रस्ताव सिविल एविएशन मंत्रालय को सौंप दिया है। अब सिविल एविएशन मंत्रालय को एयर इंडिया के विनिवेश पर मैकेनिज्म तैयार करना है, इसके निजीकरण पर फैसला लेना है। नीति आयोग ने अपने प्रस्ताव में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा कि एयर इंडिया को किसी घरेलू इन्वेस्टर को ही बेचा जाना चाहिए। एयर इंडिया का प्रश्न है, कुछ दिन पहले मैंने इस पे ऑलरेडी टिप्पणी की थी और नीति आयोग ने अपना सुझाव सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को दिया है और अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो सारी संभावनाएं हैं कि किस प्रकार से उसके डाइवेस्टमेंट का प्रयास किया और या उसके प्राइवेटाइजेशन का प्रयास किया जा सकता है। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव है। समीर, ये आपसे अब जानना चाहेंगे कि एविएशन मिनिस्ट्री 3 महीने का ये प्लान कैसे बनाएगी, ऐसा क्या प्लान में होगा जिससे कि 3 महीने के बाद जब मार्केट में ये पूरी डील आएगी सामने एयर इंडिया के विनिवेश की, उसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले यहाँ एकदम साफ हो गया है कि एयर इंडिया में विनिवेश को यानी कि उसके प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सरकार कदम बढ़ाएगी, ये पुख्ता हो चुका है लगभग। और अब जो 3 महीने का वक्त लिया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से प्लान किया करने का है इस वक्त सिविल एविएशन मंत्रालय का कि एयर इंडिया के जो नॉन कोर एसेट्स हैं और जो उनकी जिम्मेदारियां जो एयरलाइन के दायरे से बाहर है उसको उस पर ध्यान दिया जाएगा। मसलन जो एयर इंडिया के तहत जितनी भी लैंड प्रॉपर्टी आती है चाहे वो देश के भीतर हो या देश के बाहर, उसको रेंट या फिर सेल आउट करने की योजना है। उससे जो भी पैसा हासिल होगा वो बैलेंस शीट में उसका दबाव जो इस वक्त कर्ज है उसको कम करने की योजना है। यही नहीं, जो इसके साथ एयर इंडिया बाकी और जो एयरलाइंस के दायरे से बाहर जो भी उसके ऑपरेशंस है उसको भी बंद करने की योजना है। और कुल मिलाकर ये कि जो एयरलाइन को बनाए रखने के लिए, केवल उसको ऊपर रखने के लिए जो कुछ भी होगा सिर्फ उसी पर फोकस किया जाना है, ये सबसे अहम बात है। इसी के साथ जो मैनेजमेंट कंट्रोल इस वक्त है उस पर भी फेरबदल करने पर विचार किया जा सकता है और 3 महीने में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चरिंग की योजना यहाँ पर बनाई जा सकती है। समीर, सुनने में ये भी आ रहा है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग पर भी 3 महीने में फैसला होगा जिससे बैंकों से बात होगी। एनपीए की समस्या से जूझ रहे बैंक्स क्या इसके लिए तैयार होंगे? बिल्कुल अहम सवाल, क्योंकि ऐसे में जब भी कहीं पर किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई भी ऐसा भी उपक्रम जो दिक्कत में आता है तो बार बार बैंक की ओर मुंह करना पड़ता है। लेकिन अभी स्थिति कुछ ऐसी है कि बैंक भी शायद आगे आते हुए नज़र ना आए, क्योंकि एयर इंडिया की जो स्थिति है उसमें अगर बैंक भी आगे चलकर अपनी ओर से मदद करते हैं तो वो एक बेहतर संदेश नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि बैंक शायद इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर कोई कॉन्क्रीट कदम ना उठाए, लेकिन ये ज़रूर है कि जो एयरक्राफ्ट खरीद के चलते जो बैलेंस शीट पे जबरदस्त दबाव आया था उसको कम करने की योजना है और 3 महीने में कुछ ऐसा ही खाका तैयार किया जाएगा जिसके बाद माना जा रहा है कि किसी घरेलू इन्वेस्टर को आमंत्रित किया जाए या उनको आगे लाया जाए कि वो एयर इंडिया में इन्वेस्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए और डिटेल में आपका। वैसे एयर इंडिया के लिए खरीदार ढूंढने में दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार एयरलाइन पर कर्ज का बोझ कम करना चाहती है और सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी जिसके लिए सरकारी बैंक से जल्दी एयर इंडिया के साथ बातचीत भी शुरू की जाएगी। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी जोर पकड़ रही है। नीति आयोग के प्रस्ताव और प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद अब एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने लायक बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहले एयर इंडिया के ऊपर कर्ज के बोझ को कम किया जाएगा जिससे एयर इंडिया को बेचने में आसानी हो। ऐसा दूसरी बार होगा जब एयर इंडिया के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक कर्ज कम करने के लिए सरकारी बैंक्स जल्द ही एयर इंडिया के साथ बातचीत शुरू करेंगे। एयर इंडिया पर 46,570 करोड़ रुपए का कर्ज है जिसमें से करीब 16,000 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट खरीद के लिए था। इसके अलावा 7,400 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जारी किए गए। इसके अलावा 23,400 करोड़ रुपए का
वर्किंग कैपिटल लोन भी था। इस रकम को एक्सिम बैंक और विदेशी संस्थानों के जरिए जुटाया गया था। इसके अलावा सरकार ने गारंटी भी दी थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार एयर इंडिया की जमीन और अन्य असेट्स बेचकर वर्किंग कैपिटल लोन्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले 25 बैंकों का कंसोर्शियम एयर इंडिया को वर्किंग कैपिटल मुहैया कराता है। नीति आयोग ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है और आयोग का मानना है कि एयर इंडिया में सरकार काफी पैसा भी लगा चुकी है और अब इसमें ज्यादा वक्त तक टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं लगाया जा सकता। मैं समझता हूँ कि अब हमें रिवाइवल कई बार इसमें हम कर चुके हैं, इसमें काफ़ी सरकार ने पैसा लगाया भी है, पब्लिक मनी है ये, टैक्स पेयर का मनी है। इसको कब तक हम टैक्स पेयर के पैसे को लेकर इसमें लगाते जाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अब हमें एक बार जो है इसका प्राइवेटाइजेशन भी देखना चाहिए। इससे पहले भी एयर इंडिया के कर्ज को इक्विटी में बदलने की नाकाम कोशिश हो चुकी है। बैंकों ने एयर इंडिया में शेयर लेने से इनकार भी कर दिया था। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि एयर इंडिया को किसी घरेलू इन्वेस्टर को ही बेचे जाना चाहिए। ऐसे में एक बात साफ है कि महाराजा को बेचने के लिए हर संभव विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपके फायदे की खबर। अब आपको पैकेज फूड पर एक्सपायरी डेट देखने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जी बिजनेस की एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस जैसी अहम जानकारी बड़े बड़े अक्षरों में देने की मुहिम का असर हुआ है और बहुत जल्द आपको पैकेज्ड फूड पर ये सारी जानकारियां बड़े फॉन्ट और साइज में देनी होगी और दिखेगी भी। कानून मंत्रालय ने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अगले हफ्ते इस नियम को नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। आपने जो पैकेज फूड खरीदा है क्या वो पूरी तरह सुरक्षित है, उसकी कीमत सही है? इसके लिए अक्सर आपको एक्सपायरी डेट या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस जैसी जानकारी देखने के लिए पैकेट को ऊपर नीचे आगे पीछे करना पड़ता है और कई बार तब भी एक्सपायरी डेट नहीं मिलती। जी बिजनेस ने कंज्यूमर्स की इसी परेशानी और उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक मुहिम शुरू की जिसका असर हुआ है। अब जल्द ही कंपनियों को प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कीमत और एक्सपायरी डेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखने पड़ेंगे। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने पैकेजिंग कमोडिटीज नियमों में बदलाव किए थे जिन्हें कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय अगले हफ्ते इन नियमों को नोटिफाई करेगा। बार कोडिंग में प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी होगी। आपको बता दें कि जी बिजनेस ने सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको दी थी कि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय पैकेजिंग पर MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कीमत और एक्सपायरी डेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के लिए नियम लाने जा रहा है। सभी कंपनियों को पैकेट के 40% हिस्से पर प्रोडक्ट से जुड़ी सभी अहम जानकारियां देनी होंगी। उन्हें मैन्युफैक्चरर या पैकेजर या फिर इम्पोर्टर का नाम लिखना होगा, साथ ही प्रोडक्ट की मात्रा भी बतानी होगी। सबसे अहम जानकारी के तौर पर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की डेट लिखनी होगी। इसके साथ ही प्रोडक्ट की MRP और कंपनी का कंज्यूमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर भी देना अनिवार्य होगा। साथ ही कंपनी को प्रोडक्ट का बैच नंबर और ISI मार्क देना भी जरूरी होगा। नए नियम का उद्देश्य ग्राहकों की मुश्किलों को आसान करना है। सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि जनता की सेहत का ख्याल बेहतर तरीके से रखा जा सकेगा। असी मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। और जी बिजनेस लगातार इस मुद्दे से जुड़ी खबरें और शोज आपके लेकर आया है और तमाम एक्सपर्ट्स की राय भी हमने जानी है। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा इस वक्त मेरे साथ है। असीम, इस फैसले से अब कंज्यूमर्स को कितना फायदा होगा? देखिए, जी मीडिया ने एक कैंपेन जो है वो चलाया था जिसमें ये कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है या MRP है वो काफ़ी छोटे अक्षरों में जो है वो लिखा होता है और उपभोक्ता को वो ढूंढना पड़ता है और उपभोक्ता जब कई बार चीज़ खरीद करके घर पहुंच जाता है तो उसको पता चलता है कि ये चीज़ जो है एक्सपायर जो है वो हो चुकी है। उसके बाद उसको काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो उसके बाद कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने हरकत में आते हुए नई गाइडलाइन जो है वो जारी करने जा रहा है। जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि कानून मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दे दी है और
अगले हफ्ते ये गाइडलाइन जो है वो जारी हो सकती हैं, जिसमें कि एक्सपायरी जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा, एमआरपी जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। जो पहले कानून था उससे दोगुना फॉन्ट जो है वो कर दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर के ऊपर आपको जो फॉन्ट जो पहले परमिट था उसको डबल कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी कंज्यूमर्स के लिए राहत की बात होगी कि अब उनको एक्सपायरी डेट या जैसी चीज़ें उनको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और काफ़ी आसानी से जो है उनको मिल जाएंगी। कहा जाए तो एक्सपायरी पर कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म करने की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी किस तरीके की दिक्कतें होती है, कंपनियां किस तरह प्रोडक्ट पर बेस्ट बिफोर यूज़ को साफ ना लिखकर ग्राहकों को गुमराह करती है, हमारे संवाददाता अनुराग शाह की रिपोर्ट देखिए। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई सारे प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो उनके ऊपर जो बेस्ट बिफोर की डेट लिखी होती है, यानी कब तक उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक उनकी जो एक्सपायरी है वो नहीं होती है, वो काफ़ी छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ होता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये फेस वॉश है, शेविंग क्रीम है, टूथपेस्ट है और ये एक और फेस वॉश है, तो इन सभी प्रोडक्ट पर अगर हम देखेंगे तो जो बेस्ट बिफोर की जो डेट है वो काफ़ी छोटे फॉन्ट में लिखी हुई होती है, विजिबल नहीं होती है। तो कई बार जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो उसे बाय कर लेता है और बाद में पता चलता है कि जो उसकी जो बेस्ट बिफोर डेट है वो जा चुकी होती है। लेकिन इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कंज्यूमर के त्वचा पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार की अब एक प्रयास है या सरकार एक पॉलिसी के तहत सारी कंपनियों को ये निर्देश देने वाली है कि जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो बेस्ट बिफोर की जो डेट है वो काफ़ी बड़े फॉन्ट में होगी, काफ़ी विजिबिलिटी होगी, जिससे जो भी ग्राहक उसको जब खरीदता है तो उसे मालूम हो कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसको कब तक वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी जो बेस्ट बिफोर डेट है कब तक है, उसकी एक्सपायरी डेट है वो कब तक है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान ने जी बिजनेस को स्पेशल ये कहा है कि जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा और हर तरह के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स है, उस पर जो बेस्ट बिफोर की जो डेट है काफ़ी विजिबल साइज में होगी। कैमरा पर्सन संजीव गुप्ता के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।